दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपी समाचार पर, जहां देखेंगे खबर सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। बड़ी खबर लखनऊ से। यूपी में अवैध निर्माण पर सीएम योगी का ताबड़तोड़ एक्शन। लखनऊ से शामली तक चले बुलडोजर। योगी आदित्यनाथ ने यूपी चुनाव में बुलडोजर का अपने सम्मान से जोड़ दिया था। उन्होंने कहा था चुनाव बाद बुलडोजर फिर से दौड़ेगा। सरकार बनते ही ये नजारा दिखना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। हर जिले में अवैध निर्माण पर ताबड़तोड़ कार्रवाई होना भी शुरू हो चुकी है। बाबा के बुलडोजर ने फिर से कहर बरपाना शुरू कर दिया है। ताजा कार्रवाई राजधानी लखनऊ, कानपुर, लखीमपुर, सहारनपुर और शामली में शुरू हो चुकी है। इन जगहों पर बाबा के बुलडोजर ने अवैध निर्माण कार्यों को जमी दोज कर दिया है। सीएम योगी की बुलडोजर वाली कार्रवाई फिर से शुरू हो गई है। राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू हो गई। यहां आरबी कॉलेज के मालिक की अवैध संपत्ति पर लखनऊ प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। बताया जा रहा है कि ये निर्माण कार्य वर्ष 2019 से चल रहा था। बार बार नोटिस देने के बाद भी इसे नहीं रोका गया। कानपुर के कई मोहल्ले और कस्बों में अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने अपना बुलडोजर दौड़ा दिया। कानपुर प्रशासन ने दावा किया है कि अब तक 023 हेक्टेयर जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया गया है। प्रशासन के मुताबिक अवैध निर्माण और अवैध कब्जे हटाने के कार्य और अभियान अभी तेजी से जारी रहेगा। लखीमपुर देहात में पंचायत भवन के लिए आवंटित जमीन पर दबंगों ने कब्जा जमा लिया था और उस पर अवैध निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया था। योगी ने 2.0 के आते ही लखीमपुर एसडीएम राजेश कुमार, तहसीलदार और पुलिस बल के साथ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंच गए और जमीन पर चल रहे अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया और अपनी मौजूदगी में पंचायत भवन का निर्माण कार्य भी शुरू करवाया। चाहे अपराधी हो या नेता, बुलडोजर हर अतिक्रमणकारी पर चलेगा। तभी तो बांदा के तिंदवारी से पूर्व विधायक रहे ब्रजेश प्रजापति के दफ्तर में बांदा विकास प्राधिकरण ने अतिक्रमण का नोटिस चिपका दिया। अगर 7 अप्रैल तक पूर्व विधायक ने जवाब नहीं दिया तो उनकी अवैध संपत्ति पर प्रशासन बुलडोजर चला दे देगा। वैसे पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापत बीजेपी में ही थे। चुनाव से पहले एसपी का दामन थाम लिया था। अब तो विधायक की भी चली गई और अगर वक्त पर जवाब नहीं दिया तो संपत्ति भी चली जाएगी। बुलडोजर केवल अतिक्रमण हटाने के काम में नहीं आ रहा, अब अपराधियों को डराने में भी योगी सरकार के अधिकारी इस बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सहारनपुर में बुलडोजर एक अपराधी के घर पर चला जो गैंगरेप के आरोप में फरार चल रहा था। पुलिस ने कई बार उसे सरेंडर करने को कहा लेकिन फरार आरोपी सामने नहीं आया। सहारनपुर के थाना चिलकाना क्षेत्र के चालाकपुर में कल अचानक बुलडोजर के साथ पुलिस पहुंच गई और रेप के आरोप में फरार चल रहे आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला दिया। यहां गैंगरेप के 2 आरोपी भाई लगातार फरार चल रहे थे।
इन्हीं को पकड़ने के लिए खाकी ने ये तरीका निकाला। योगी आदित्यनाथ ने यूपी चुनाव में बुलडोजर को अपने सम्मान से जोड़ दिया था। उन्होंने कहा था, चुनाव बाद बुलडोजर फिर से दौड़ेगा। सरकार बनते ही ये नज़ारा सामने दिखना शुरू हो गया, लगातार दिख रहा है। और बुलडोजर से अतिक्रमण कार्यों में खौफ भी बना हुआ नजर आ रहा है। लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आई, डिप्टी सीएम को अस्पताल में मिली टूटी व्हीलचेयर, स्ट्रेचर लगाई अफसरों की क्लास, व्यवस्था सुधारने के दिए निर्देश। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम के आने की सूचना मिलते ही तमाम अफसर इमरजेंसी की तरफ भागने लगे। उन्होंने सबसे पहले इमरजेंसी का ही निरीक्षण किया, इस दौरान वहां व्हीलचेयर टूटी मिली। यह देखकर पाठक जी काफी भड़क उठे और नाराज हो गए। उन्होंने अस्पताल निदेशक सीएमएस को टूटी व्हीलचेयर व स्ट्रेचर की स्थिति से वाकिफ कराते हुए उनकी क्लास लगाई। खबर विस्तार से, डिप्टी सीएम व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक बृहस्पतिवार दोपहर सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। इसकी सूचना मिलते ही यहां अफरातफरी का माहौल बन गया। डिप्टी सीएम ने इमरजेंसी में स्ट्रेचर और व्हीलचेयर की कमी पर अफसरों को फटकार लगाई और इनकी संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। बगैर सूचना दिए पाठक दोपहर 1:30 बजे सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे। डिप्टी सीएम के आने की सूचना मिलते ही तमाम अफसर इमरजेंसी की तरफ भागने लगे। उन्होंने सबसे पहले इमरजेंसी का ही निरीक्षण किया, इस दौरान वहां व्हीलचेयर टूटी मिली। यह देखकर पाठक जी काफी नाराज हो गए। उन्होंने अस्पताल निदेशक सीएमएस को टूटी व्हीलचेयर व स्ट्रेचर की स्थिति से वाकिफ कराते हुए उनकी क्लास लगाई। अफसरों को हिदायत दी कि इमरजेंसी की सभी व्यवस्थाएं तत्काल दुरुस्त कराई जाएं। उन्होंने इमरजेंसी ओपीडी परिसर में अतिरिक्त व्हीलचेयर और स्ट्रेचर लगवाने के भी निर्देश दिए, मरीजों का भी जाना हाल। ब्रजेश पाठक ने इमरजेंसी में भर्ती मरीजों का हाल चाल भी जाना, मरीजों से बेड पर जाकर उनकी समस्याओं के बारे में पूछते संघ अस्पताल की ओर से दी जा रही सुविधाओं की जानकारी हासिल की। वहीं उन्होंने निर्देश भी जारी किए कि मरीजों को इलाज में कोई समस्या ना हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। बढ़ा दिए स्ट्रेचर व्हीलचेयर। डिप्टी सीएम के निरीक्षण के तुरंत बाद अस्पताल प्रशासन आनन फानन अतिरिक्त स्ट्रेचर और व्हीलचेयर की व्यवस्था कर इमरजेंसी में रखवा दिए। अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर आरपी सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री ने स्ट्रेचर और व्हीलचेयर को बदलने और बढ़ाने के निर्देश दिए थे। उनके निर्देश का पालन करते हुए तुरंत 12 स्ट्रेचर और 7 व्हीलचेयर अस्पताल परिसर में रखवा दिए गए हैं। रिपोर्ट आरती सचदेवा। और एक खबर लखनऊ से, पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दबोचे बदमाश, महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर करते थे चैन स्नैचिंग। पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चैन स्नैचरों की आतंक था। ये लोग महिलाओं को चैन दौड़ा दौड़ा कर लूट मचा रहे थे। एक खबर की सूचना पर जब पुलिस उन्हें दबोचने पहुंची तो दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के खुर्रम नगर पुलिस चौकी के अंतर्गत बुधवार को पुलिस और चैन स्नेचरों के बीच मुठभेड़ हो गई। चैन स्नेचरों ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया था, जिसके चलते महिलाओं ने घर से निकलना बंद कर दिया था। इतना ही नहीं, चैन स्नेचर महिलाओं के साथ दिन दहाड़े खुलेआम निडर होकर चैन स्नेचिंग करते थे। इसी वजह से महिलाओं में दहशत का माहौल बन गया था। एक मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस इन्हें दबोचने पहुंची तो दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी।
जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलानी शुरू कर दी। एक बदमाश के पैर में गोली लग भी गई है। एडीसीपी नॉर्थ प्राची सिंह ने बताया, पूरी घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पिकनिक स्पॉट रोड खुर्रम नगर चौकी और स्कॉर्पियो क्लब के बीच में पुलिस की चेकिंग चल रही थी। मुखबिर की सूचना मिली कि दो चैन स्नेचर होंडा बाइक से चैन स्नेचिंग कर रहे हैं। ये चैन स्नेचर बहुत ही बुरे तरीके से चैन स्नेचिंग करते हैं। ये लोग महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर महिलाओं के गले से चैन छीन लेते हैं, निकाल लेते हैं। सूचना मिलने पर जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची और इन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो दोनों बदमाशों ने फायरिंग करना शुरू कर दी। फिर सेल्फ डिफेंस में हमारे पुलिसकर्मियों ने फायरिंग की और असलम नाम के बदमाश के दाहिने पैर में गोली लग गई है। एडीसीपी ने आगे मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि वहीं दूसरा बदमाश भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे पकड़ लिया गया। अब दोनों से पूछताछ की जाएगी, साथ ही साथ उन दोनों ने जो पहले भी लूट की है उसकी भी पूछताछ की जाएगी। बदमाशों के पास से दो पीली धातु की चैन मिली हैं, साथ में 10,000 रुपये भी मिले हैं। हालांकि बदमाशों की तरफ से की गई फायरिंग में कोई भी पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ। रिपोर्ट आरती सचदेवा। बड़ी खबर आ रही उन्नाव से। युवकों ने युवती को कार में खींचा, खबर उन्नाव के सफीपुर से। सफीपुर कस्बे के एक मोहल्ला की महिला ने 4 लोगों पर बेटी को कार से अगवा करने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस के सक्रिय होते ही आरोपी शारदा नहर पुल पर युवती को कार से उतारकर भाग गए। पुलिस को युवती सकुशल मिल गई। पुलिस आरोपियों की तलाश करने में लगी हुई है। कोतवाली प्रभारी चंद्रकांत ने बताया कि महिला की तहरीर पर आरोपियों में 2 नामजद समेत 4 लोगों के खिलाफ छेड़छाड़ व मारपीट की रिपोर्ट दर्ज की गई है। शारदा नहर पुल के पास युवती सकुशल मिल गई है। आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश देने में लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। एक बड़ी खबर और आ रही उन्नाव से। छात्राओं को दी गई सूची प्रभा मेरिटोरियस स्कॉलरशिप। शहर के रानी शंकर शाहें बालिका इंटर कॉलेज में बालिका शिक्षा व सशक्तिकरण से संबंधित विद्यालय की पूर्व प्रधानाचार्य स्वर्गीय सूची प्रभा शुक्ला की स्मृति में सूची प्रभा मेरिटोरियल स्कॉलरशिप के तहत कॉलेज स्तर पर पहला, दूसरा व तीसरा स्थान पाने वाली छात्राओं को प्रमाण पत्र व मेडल के साथ पुरस्कार दिया गया। पूर्व प्रधानाचार्य के पति वरिष्ठ अधिवक्ता हरिश्चंद्र शुक्ला व उनके बेटे सौरभ शुक्ला ने रिजल्ट वितरण के दौरान परीक्षा में पहला, दूसरा व तीसरा स्थान हासिल करने वाली छात्राओं को प्रमाण पत्र मेडल के साथ 10,500 रुपये का पुरस्कार देकर सम्मानित किया। पुरस्कार पाने वाली छात्राओं में कक्षा 6 की छात्रा नासरा प्रथम, रमसा द्वितीय, जिया तृतीय, कक्षा 7 की छात्रा फैमा प्रथम, उत्तरा द्वितीय, दिव्यांशी तृतीय, कक्षा 8 की छात्रा माही चौधरी प्रथम, अलसिफा द्वितीय, लैबा फातिमा तृतीय, कक्षा 9 की छात्रा सिद्धि मिश्रा प्रथम, शगुन गुप्ता द्वितीय, अक्षा खान तृतीय, कक्षा 11 की छात्राओं में अंकिता वर्मा प्रथम, आयुषी कश्यप द्वितीय व निशा गुप्ता तृतीय स्थान को मेडल सर्टिफिकेट व नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। इस दौरान विद्यालय की प्रधानाचार्य विकासनी श्रीवास्तव, निधि श्रीवास्तव, शैल वाजपेयी, सुनील तिवारी, दीपक दीक्षित, अशोक श्रीवास्तव, शिव कुमार पांडे भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। बड़ी खबर आ रही प्रतापगढ़ से।
सड़क दुर्घटना में प्रतापगढ़ के 3 युवकों की मौके पर मौत, एक की गंभीर हालत। आसपास के लोगों ने गंभीर रूप से घायल इमरान को उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने लखनऊ ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पल्टन बाजार मोहल्ले में कोहराम मच गया, परिजन घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। नगर कोतवाली के पल्टन बाजार निवासी 4 युवक बुधवार की शाम कारोबार के सिलसिले में कार से लखनऊ की ओर जा रहे थे। सुल्तानपुर के हैदरगढ़ में सड़क किनारे खड़े मालवाहक वाहन में कार जा घुसी, जिससे कार सवार मोहम्मद इरशाद उर्फ गोलू 25 वर्षीय, लुकमान 26 वर्षीय और अबू बकर 24 वर्षीय, ये सभी एक ही परिवार के सदस्य, घटनास्थल पर इनकी मौत हो गई। आसपास के लोगों ने गंभीर रूप से घायल इमरान को उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले गए, जहां हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने लखनऊ ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पल्टन बाजार मोहल्ले में कोहराम मच गया, परिजन घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतापगढ़। फेसबुक पर जयपुर के युवक को युवती से हुई मोहब्बत, कानपुर पहुंचकर पहले खुद को लगाई आग, फिर प्रेमिका को देखकर लगाया गले। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कानपुर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। नौबस्ता क्षेत्र के हंसपुर में जयपुर के मूकबधिर युवक ने प्रेमिका के घर के बाहर खुद को आग के हवाले कर लिया। बचाने निकली प्रेमिका को युवक ने गले लगा लिया। दोनों को गंभीर हालत में उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक बुधवार को सुबह ही जयपुर से प्रेमिका के घर पहुंचा था। युवती के पिता ने नौबस्ता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। नौबस्ता के हसनपुर में रहने वाली युवती मूकबधिर फेसबुक पर उसकी दोस्ती जयपुर के जेई कॉलोनी निवासी ओम प्रकाश के पुत्र विजय 22 वर्षीय से हो गई। युवती के पिता ने बताया कि बेटी पिछले साल दिसंबर में युवक के पास जयपुर चली गई थी। दोनों में किसी बात को लेकर अनबन हो जाने पर वह वापस अपने घर आ गई। बुधवार को सुबह करीब 7:30 बजे विजय जयपुर से हंसपुरवा स्थित उनके घर पहुंच गया। कुछ देर बाद युवक घर के बाहर खड़ा कुछ देर घर के बाहर युवक खड़ा रहा। अपने साथ प्लास्टिक की बोतल में पेट्रोल लेकर आया था। घर के बाहर ही उसने अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़क लिया और मौका पाकर युवक घर के अंदर घुस गया और युवती के किचन से माचिस लेकर शरीर में आग लगा ली। घर वालों ने आग बुझाने की कोशिश की तो भागने लगा। इसी बीच रचना भी आ गई। युवती को देखते ही विजय उसे लिपट गया। आग से घिरे युवक के संपर्क में आने से युवती भी झुलस गई। परिजनों ने किसी तरह आग बुझाया और पुलिस को सूचना दी। दोनों को उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। डीसीपी साउथ रविनाथ त्यागी ने बताया कि मूकबधिर युवक के आग लगने की सूचना पर पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया है। पिता की तहरीर पर युवक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, कानपुर। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी